नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा चोरी कर ठगी करने वाले साइबर रैकेट के 7 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। कब्जे से लाखों की नकदी, वहीं 2 लग्जरी कारों और 4,000 बीमा पॉलिसी के साथ बैंक खाते के संग्रह बरामद की है। फिरोजाबाद पुलिस ने साइबर गिरोह के 7 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 7.5 लाख की नकदी और 2 लग्जरी कार और 4,000 फर्जी बिना पॉलिसी और ठगी करने के उपकरण बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी मोबाइल फोन के माध्यम से बीमा पॉलिसी और बैंक की जानकारी देकर ठगी को अंजाम देते हैं। वहीं पुलिस की माने तो 7 करोड़ की ठगी करने की योजना बन रही थी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। एक्चुअली मैंने एक होम लोन लिया था, उस होम लोन के साथ एक HDFC से होम लोन लिया था। HDFC ने एक पॉलिसी उसके साथ साथ मुझे जबरदस्ती दे दी, जिसको बोलते हैं, मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ी। मैंने एक्सेप्ट किया वो 1,20,000 रुपये पर ईयर की पॉलिसी थी, जिसका प्रीमियम था। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं नेक्स्ट ईयर पहला प्रीमियम दे दिया मैंने, उसके बाद 2-3 साल कंटिन्यूस में प्रीमियम देना भूल गई, मेरे दिमाग से स्लिप कर गई। देन सडनली 28 या 29 सितंबर 2021 को मेरे पास एक फ़ोन आया प्रदीप का करके, जो ये लड़का अमित है जिसको अभी आप लोगों ने देखा है, ये प्रदीप बन के उसने मुझे कहा कि मैं HDFC लाइफ से बात कर रहा हूँ और आपकी जो ये पॉलिसी है ये आपके एजेंट के नाम पे इसका चेक बनने जा रहा है, तो आप इसका पेमेंट जमा करा दीजिए, नहीं तो ये आपके एजेंट के नाम से इसका पेमेंट चला जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे इसे कंटिन्यू करना ही नहीं है, आप इसको ख़त्म करा दीजिए, आप इसे प्रोसीजर में डाल दीजिए कि ये मुझे सरेंडर करनी है पॉलिसी। उसने कहा कि ठीक है, सरेंडर करने के लिए आपको 30,000 देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा हमारे अकाउंट में। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने क्योंकि उसने मेरी पॉलिसी नंबर ठीक बताया था, उसने ये टाइम ठीक बताया था, पॉलिसी का नाम ठीक बताया था, आई थॉट कि जेन्युइन होगा। एंड साथ ही साथ उसने मुझे एक अपना आई कार्ड भी व्हाट्सअप किया था कि ये मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, HDFC लाइफ से हूँ। तो मैंने 30,000 का उसको पेमेंट कर दिया। 30,000 का पेमेंट करने के बाद उसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आपको 60,000 का करना है पेमेंट, तो 30,000 और जमा करना पड़ेगा। मैंने और 30,000 जमा कर दिया। उसके बाद उसको फ़ोन आया, मेरे को बोलता है कि इनके जो एजेंट हैं आपके, जिन्होंने आपको पॉलिसी दी है, उसने आपकी पॉलिसी पे कैप लगा दिया है 3 साल का, तो जब तक आप 3 साल का पेमेंट नहीं करेंगे ये पॉलिसी बंद नहीं हो सकती, सरेंडर नहीं की जा सकती है। 3 साल का कैप का मतलब 3,60,000 करीब हो गए। वो मैंने फिर पार्शली लाख रुपए कैसे करके इनके पास जमा कराए। फिर उसके बाद फिर इनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा अब इसे सरेंडर करो, अब मैंने इतना पेमेंट कर दिया। बोले मैडम सॉरी, अभी बाद में पता चला कि आपका एजेंट इसको 5 साल का कैप लगा के चला गया। तो ऐसे करते करते उसने मुझे हर रोज़ एक नया ये करके करीब 9 लाख रुपये उसने मेरे से डलवा लिए। उसके बाद भी मुझे इतना कोई खास डाउट नहीं हुआ, उसने एक चेक मुझे भेजा कि आपका हुई है पूरा क्या मामला और किस तरह का ग्रोह। देखिए आज ये एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड जो है उसका भंडाफोड़ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, साइबर फ्रॉड जो है वो सबसे तेज़ी से गति से बढ़ने वाला क्राइम है इंडिया में, और साइबर ये जो मामला है ये काफ़ी बड़ा मामला है। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो नोएडा के भी हैं, कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ हरियाणा के हैं। और इसमें जो इनका मॉडस ऑपरेंडी था, उसमें मॉडस ऑपरेंडी में ये था कि जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, यहाँ पर जो मेन अभियुक्त है अमित, ये कई पूर्व में कॉल सेंटरों पे काम कर चुका है, तो वहाँ से इन्होंने जो डेटा है, जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो डेटा होता है, इंश्योरेंस जो कस्टमर होते हैं उनका डेटा जो होता है, वो डेटा इनको मिला। और फिर फर्जी सिम जो है वो इन्होंने प्रोक्योर की, और उन सिम का यूज़ करके ये जो इंश्योरेंस इन्होंने लिया है उनको फ़ोन करके उनसे जो कुछ फर्जी खाते हैं, बैंक खाते हैं, उनके अंदर में इन्होंने उनका ट्रांसफ़र कराया पैसे का। और इस तरीके से इनके जो लगभग जो अभी तक लेन देन का हिसाब किताब है, लगभग
4.5 करोड़ का जो लेन देन का हिसाब किताब है इन डिफरेंट थाना। इसके अलावा जो बरामदगी है उसमें 18 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक कार वोल्क्सवैगन बरामद हुई है, एक कार हुंडई वरना बरामद हुई है। इसके अलावा 7,30,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं, 4,000 इंश्योरेंस पॉलिसी के कागज़ जो हैं वो बरामद हुए हैं, 4 डायरियाँ जो हैं जिसमें लेखा जोखा है उसको बरामद किया गया है। इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उसमें अमित हैं सोनीपत हरियाणा से, दीपू, रोशन, शिवम, आलोक, अमन और विवेक, ये 3 राज्य बिहार, यूपी और हरियाणा से इन लोग के रहने वाले हैं। इसके अलावा 4 इसमें अभियुक्त जो हैं वो फरार भी हैं। इसमें इंटरेस्टिंग जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि पहला तो इंश्योरेंस जो कंपनी है उनके जो ग्राहक हैं उनका डेटा निकालना, उनकी डेटा की चोरी करना फ्रॉम दी कॉल सेंटर्स या जहाँ से भी इन्होंने वो किया उसको विवेचना में निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो फर्जी सिम जो एक्टिवेट हुई हैं उसमें भी किस तरीके से इन्होंने फर्जी सिमों को एक्टिवेट किया है जो नोएडा और उनके आसपास के क्षेत्र से हुई हैं। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट भी हैं जो कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो केंद्र होते हैं उनसे मिलीभगत करके जो जनधन के खाते वगैरह हैं उन अकाउंट्स के अंदर में पैसे को लेना, तो इस तरीके से एक प्रॉपर सुनियोजित तरीके से सारा गैंग ऑपरेट कर रहा था और उसका आज खुलासा किया गया। इसमें कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते थे या उनसे मंगा लेते थे? नहीं, ये जो इंश्योरेंस के जो कस्टमर हैं उनके कागज़ इनके होते थे और इसमें जो हमारी टीम है स्पेशली साइबर सेल विक्रांत तोमर और हमारे जो स्वाट प्रभारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया थाना सरजागंज के साथ में। टीम को 25,000 का रिवॉर्ड देता हूँ, आगे भी इसमें और डिटेल में विवेचना करके और इसमें चीज़ों को निकाला जाएगा। अब तक की जानकारी के अलावा क्योंकि ये मूलतः नोएडा और हरियाणा वाला जो बॉर्डर है उसी पे सारा ऑपरेट करते थे, तो इसमें हमारे यहाँ जो कंप्लेंट हुई थी सिरसागंज में जिसमें एक